नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो NTPC डिप्लोमा ट्रेनिंग का जो एग्जाम हुआ था 23 फरवरी 2019 को, उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है CBT 1, किसके बारे में आज हम जानेंगे। और दोस्तों इसमें साथ ही साथ ITI का जो कुछ पोस्ट निकले हुए थे, ITI फीटर इलेक्ट्रीशियन की और प्रयोगशाला के निकले हुए थे और एक और पोस्ट थी जो मुझे याद नहीं आ रहा, अभी आपको देख लीजिएगा। तो जितने भी पोस्ट थे उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है इसके बारे में आज जानेंगे दोस्तों। ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ अनुमानित है, एक्सपेक्टेड है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और दोस्तों आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो NTPC में जो पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था और जिसके जो अभी सिलेक्शन भी हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है इसके, दोस्तों उसका CBT 1 में कितना कट ऑफ गया था इसके लिए मैं RTI डाला हुआ हूँ। जो जैसे ही उसका RTI का जो रिप्लाई आ जाएगा, डिटेल आ जाएगा, तो दोस्तों उसको भी आपके साथ में शेयर करूँगा। तो इसी तरह की और भी वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए लाता रहता हूँ और आपके लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता रहता हूँ दोस्तों ढूंढ ढूंढ के। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल की घंटी को जरूर दबाएगा, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो डालूँ दोस्तों तो सबसे पहले आप तक पहुँचने पाए और आपको उसका फ़ायदा मिल पाए। और दोस्तों मेरा मकसद यूट्यूब का सिर्फ एक ही है कि आप लोगों की मदद करना दोस्तों, इसलिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करेगा ताकि आगे भी और आपके लिए वीडियो ला सकूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है CBT 1 में डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि पाएं सभी खबरें सबसे पहले। तो सबसे पहले इसमें दोस्तों मैं बात करूंगा डिप्लोमा ट्रेनिंग के बारे में बात करूंगा, जिसमें CNI वाले लोग के, जनरल वाले लोग के लगभग यहाँ पे 73 जा सकता है दोस्तों। आपको बता देता हूँ मैं, लगभग 73 जा सकता है, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग दोस्तों 73 इसका कट ऑफ जा सकता है जनरल वाले के लिए। OBC वाले लोग के 70 जा सकता है दोस्तों, SC वाले लोग के लिए 64 से 68 जा सकता है और ST वाले लोग के लिए दोस्तों 58 से 62 जा सकता है कट ऑफ CBT 1 के लिए दोस्तों। ये जितना भी कट ऑफ आ रहा हूँ तो ये CBT 1 के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, CBT 1 के लिए। CBT 2 के लिए मैं आपको, अगर आप जानना चाहते हैं कि CBT 2 में पिछले साल कितने किए थे कटा, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा दोस्तों, आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं, थोड़े दिन में आ जाएगा, कल या परसों दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रीशियन की जो है, इलेक्ट्रिकल की जो है दोस्तों, वो 75 नंबर कट ऑफ जाएगा लगभग इलेक्ट्रिकल के लिए। और दोस्तों OBC में जो है 70 नंबर लगभग जाएगा और SC में 64 से 68 जा सकता है दोस्तों और 58 से 65 जा सकता है ST वाले लोग के लिए दोस्तों। अगर आपको इसमें थोड़ा, इसका मैं जो PDF है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि इसमें मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ तो आपको हो सकता है कई बातें छूट जाए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, वहाँ मैं लिंक दे दूंगा, डाउनलोड वहाँ से कर लीजिएगा, आप एक्सपेक्टेड जो है अनुमानित कट ऑफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों मैकेनिकल के लिए। मैकेनिकल में बता दूँ दोस्तों, सबसे हाइएस्ट कट ऑफ रहता है दोस्तों मैकेनिकल वाले लोग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैकेनिकल के लिए जो कट ऑफ है दोस्तों 78 है जनरल वाले लोग के लिए और OBC वाले लोग के लिए 75 है और SC वाले लोग के 66 से 70 तक जा सकता है SC वाले लोग के लिए। ठीक है, ST वाले लोग के लिए 62 से 65 तक जा सकता है दोस्तों कट ऑफ जो इसका CBT 1 में। और CV वाले लोग की बात करूँ दोस्तों, CV वाले लोग के 72 जनरल वाले लोग के जा सकता है और OBC वाले लोग के लिए 68 से 70 जा सकता है, SC वाले लोग के लिए दोस्तों 63 से 67 जा सकता है, ST वाले लोग के लिए दोस्तों 58 से 62 कट ऑफ जा सकता है। तो मैंने दोस्तों ये पूरा कट ऑफ जो आपको बता दिया दोस्तों डिप्लोमा ट्रेनिंग के बारे में। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों ITI के बारे में, क्या ITI कट ऑफ कितनी जा सकती है उसके लिए भी चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है लगभग। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो बता रहा हूँ दरली पाली उड़ीसा का जो NTPC है उसकी जो वैकेंसी निकली थी उसी को मैं बता रहा हूँ कट ऑफ। ठीक है, और चलिए आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो फीटर की कट ऑफ है लगभग वो जनरल में 65 जा सकता है और OBC वाले लोग के लिए 62 जा सकता है और SC वाले लोग के लिए 60 जा सकता है और ST वाले लोग के लिए 58 जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन में 67 जा सकता है जनरल वाले लोग के लिए और OBC वाले लोग के लिए 62 जा सकता है और SC वाले लोग के लिए 60 जा सकता है। ठीक है, और ST वाले लोग के लिए 58 जा सकता है। और मैं बता रहा हूँ दोस्तों जितने भी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है, ST OBC वाले लोग के लिए, वो सभी के लिए दोस्तों हो सकता है 2-5 नंबर ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन लगभग यही कट ऑफ आएगा। ठीक है, और जब भी इसका भी RTI डाल दूंगा दोस्तों, इसका जैसे रिजल्ट आता है ना, ठीक है, CBT 1 का जो CBT 2 के लिए जो शॉर्ट लिस्ट आता है उस टाइम में दोस्तों RTI डालूंगा और आपके लिए मैं वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों कि उसकी जो एक्चुअल कट ऑफ है कितनी गई थी CBT 1 में। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो इसमें इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की जो है कट ऑफ है जनरल वाले के लिए वो 67 जा सकता है और OBC वाले लोग के लिए 64 जा सकता है। ठीक है, और ST वाले लोग के लिए 62 जा सकता है
और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 57 कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। और प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान की जो दोस्तों बता रहा हूँ आपको कट ऑफ, वो जनरल वाले लोग के लिए 65 जा सकता है और ओबीसी वाले लोग के लिए 63 जा सकता है, और जो एससी वाले लोग के लिए 60 जाएगा दोस्तों, और एसटी वाले लोग के लिए 56 कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। और सहायक सामग्री स्टोर कीपर की जो है दोस्तों, उसको बता दूँ उसके जनरल वाले लोग के लिए 67 और ओबीसी वाले लोग के लिए 64 और एससी वाले लोग के लिए 61, एसटी वाले लोग के लिए 56 कट ऑफ जा सकता है। और यहाँ मैं दोस्तों एक बार और आपको कंफर्म कर देता हूँ कि जितने भी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ दोस्तों, वो अनुमानित है और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, हो सकता है 5 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसा कुछ ऊपर नीचे होगा, ठीक है। और जब भी इसका जो रिजल्ट आएगा सीबीटी 2 के लिए जो एडमिट कार्ड जब जारी करते हैं तो शॉर्ट लिस्ट जारी करते हैं, ठीक है, उस टाइम मैं आरटीआई डालूंगा दोस्तों, आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपको ध्यान दीजिएगा, मैं आरटीआई डालता रहता हूँ और डालूंगा दोस्तों, और मैं उसको बताऊंगा कि एक्चुअल जो कट ऑफ गई है सीबीटी 1 के लिए उसकी कट ऑफ कितनी गई थी, इसके लिए आपको मैं आरटीआई डालूंगा। आरटीआई जरिए जब उसका मुझे रिप्लाई आ जाएगा, जब जानकारी आ जाएगी तो उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अभी दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ, एक आरटीआई डाला है जो मैंने दोस्तों, वो एनटीपीसी जो सीबीटी 1 का जो पिछले साल निकला था उसकी कट ऑफ जानने के लिए किया है कि एसटी सीबीटी 1 में कट ऑफ कितनी कितनी गई थी, ठीक है। तो उसे क्योंकि सीबीटी 1 के लिए कट ऑफ बताया नहीं जाता दोस्तों एनटीपीसी में, आप भी जानते होंगे, सीबीटी 2 के लिए कट ऑफ बताया गया है, और सीबीटी 2 के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है इस बार दोस्तों, उसके भी मैं वीडियो जल्दी लाऊंगा, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, क्योंकि जब तक आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे दोस्तों, मुझे एक अंदर से अपने आएगा कि आप लोगों के लिए और भी हेल्प करूँ, क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं दोस्तों, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।